सब्सक्राइब करें माई टेक्निकल पेज और दबाएं बेल के इस आइकॉन को सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ विंडो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका नाम है OBS स्टूडियो। आपको अगर नहीं पता है इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। उसके बाद हाँ, और एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ से हमें गूगल क्रोम में जाके गूगल ओपन करके हमको यहाँ पर सर्च कर लेना है OBS स्टूडियो। देखिए OBS स्टूडियो डाउनलोड है, तो क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ गया https obsproject.com, इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले लिंक पे। इसे लिंक करेंगे तो आपकी आपका विंडो है तो विंडो के लिए आ जाएगा, मैक है तो मैक के लिए आ जाएगा, और लाइनक्स है तो लाइनक्स के लिए आ जाएगा। तो आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपना यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो आइए मैं डायरेक्ट उसी को ओपन कर लेता हूँ, जिसे देखिए मेरा ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तभी इसके माध्यम से हमारा पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मेरा फिलहाल ये अभी जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से देखिए ओपन स्टूडियो है, इस पर क्लिक करके उसको ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद इसमें आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इसे देखिए यहाँ पे स्टूडियो स्टार्ट स्ट्रीमिंग है, इस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। और यहाँ पे देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं, मैं यहाँ पे सेटिंग में आपको जाना है, उसके बाद कुछ खास सेटिंग करनी है। सेटिंग में अभी ओपन, यहाँ पे आपको जनरल इसको कुछ नहीं करना है, आपको ऑडियो में जाना है, वो सब डिफॉल्ट रहने देना। अगर डिफॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से माइक के लिए ऑडियो सेट कर सकते हैं, आपको जैसा ऑडियो चाहिए। और वीडियो में जाके अपना ये वीडियो अपने हिसाब से रिलीजेशन उसका सेट कर सकते हैं, हमें कितनी क्वालिटी में वीडियो चाहिए, कितनी क्वालिटी में नहीं चाहिए। तो हाई क्वालिटी यही है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके अपने पूरे विंडो का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें एक और बढ़िया फीचर है, आप जितनी दूर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उतनी दूर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए इस हिसाब से जितने छोटे साइज में करना चाह सकते हैं उतने छोटे साइज में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा फीचर है, मैं बड़ा कर लेता हूँ इस हिसाब से। तो आप इसका जरूर यूज करिए, और ये काफी बहुत सिंपल है, उन नए यूट्यूबर्स के लिए काफी अच्छा है जो भी नए यूट्यूब पे आए हैं। तो वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।